Hi everyone, myself Divya Tamrikar, and today I'm going to learn about science of class 6. I'll already explain the chapter 1, half part of chapter 1, and the another part is here. So let me remind a little bit of first part. In the first part, we learn the parts of plant that we eat. The major 6 parts of plant that we eat as food is fruit, flowers, seeds, stem, leaves and roots. In the first part of this chapter, I'll tell you about the 2 parts of the plant, that is stem and roots. So in this video I'll tell you about the other part of the plant which we eat as food. So let's start. The part of plant is flower. Flower like cauliflower, banana flower and many other flower we eat as food item. Flower like cauliflower and flowers of banana are eaten for their flavor and food stored in them. So pichle part mein humne plant ke 6 parts ke bare mein padhna shuru kiya tha aur sirf 2 part ko explain hua tha kiya tha maine, root aur stem ko. So is video mein hum plant ke dusre parts ke bare mein janenge jise hum as food ki tarah khate hain, jo ki hai flower. Cauliflower matlab gobhi aur broccoli, jo ki gobhi ka hi dusra species hota hai, iske ye plant ka फ्लावर वाला पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं. बनाना के भी फ्लावर को खाया जाता है क्योंकि उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है. एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज लीव्स. लीव्स आर ऑफ स्पिनच एंड कैबेज आर ईटन इन द फॉर्म ऑफ करी. लेंटिल्स एंड कैबेज आर आल्सो ईटन एज सैलेड. Leaves of coriander and mint are used to make chutney and also leaf of coriander are used as decoration of food. Leaves matlab patte. Paudhon ke bahut sare aise patte bhi hote hain jinko hum vegetable ke roop mein khate hain, vegetable ki tarah khate hain, jaise ki palak ho gaya, patta gobhi ho gayi. इनको हम करी के फॉर्म में या फिर रॉ मटेरियल में भी यूज़ करके खाते हैं. लेंटस और कैबेज को सैलेड की तरह भी खाया जाता है. और कोरिएंडर मतलब धनिया और मिंट मतलब पुदीना, धनिया और पुदीना की पत्तियों को चटनी के लिए यूज़ किया जाता है. तो पौधे के जो पत्तियों वाला भाग होता है इसे भी एज अ फूड आइटम भी कंसिडर किया जाता है. हर पौधे की पत्तियों को हम नहीं खा सकते. यू कांट ईट एवरी प्लांट्स लीव. सम ऑफ द प्लांट लीव ईट एज अ फूड, नॉट द ऑल प्लांट. सम ऑफ द प्लांट लीव्स वी ईट एज अ food like spinach, cabbage, lentils, coriander, mint and many more. And the next part is fruit. You already know the fruit part of the fruit is very sweet and salty and sour also. Different types of plant give different taste of fruits. So the fruit having some sweetness and eaten raw means uncooked,
फॉर एग्जाम्पल एप्पल ऑरेंज बनाना एंड पपाया दे आर पल्पी फ्रूट्स. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. देयर आर मेजर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूट्स दैट इज पल्पी फ्रूट दैट इज जूसी फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स. फ्रूट्स के तीन टाइप भी होते हैं पल्पी फ्रूट्स एंड जूसी फ्रूट और ड्राई फ्रूट होते हैं. वो फ्रूट जो कि खाने में हमें स्वीट लगते हैं लाइक एप्पल मैंगो बनाना पपाया और इनको हम रॉ मटेरियल मतलब अनकुक्ड मीन्स कच्चा ही खा सकते हैं बिना पकाए क्योंकि इसके अंदर स्वीटनेस होती है बहुत ये स्वीट होता है. आप इसको पकाकर भी खा सकते हैं बट मोस्टली वी हैव यूज इट एज अ रॉ मटेरियल. सो दैट फ्रूट्स आर कॉल्ड पल्पी फ्रूट्स. एंड नेक्स्ट इज जूसी फ्रूट. इट फ्रूट आर जूसी दैट आर पॉमग्रेनेट ग्रेप्स ऑरेंज पाइनएप्पल दैट आर जूसी फ्रूट बिकॉज वी मेक जूस फ्रॉम दैट फ्रूट्स. नेक्स्ट इज ड्राई फ्रूट. ड्राई फ्रूट लाइक नट्स आलमंड्स वॉलनट एप्रिकॉट कोकोनट एक्सेट्रा एंड ग्रीन कोकोनट ऑल्सो येल्ड कोकोनट वाटर लाइक एंड ड्रंक बाय ऑल. फ्रूट जो कि ड्राई फ्रूट्स के यूज में रूप में यूज़ किया जाता है वो है एप्रिकॉट वॉलनट डेट्स केशूज ऑलमंड. दीज आर द दैट टाइप ऑफ फ्रूट दैट वी ईट इन द फॉर्म ऑफ ड्राई. सो दैट्स वाई इट कॉल्ड ड्राई फ्रूट क्योंकि इन फ्रूट्स को सुखा कर ही यूज़ किया जाता है इसलिए इसे ड्राई फ्रूट कहते हैं. और ग्रीन कोकोनट जो होता है इनका उसका कोकोनट वाटर भी यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर अस. फ्रूट दैट डू नॉट हैव इनफ स्वीटनेस आर यूज एज वेजिटेबल ईटन आफ्टर कुकिंग. वो फ्रूट जो कि उतने ज़्यादा स्वीट तो होते नहीं हैं बट उन्हें पकाकर खाया जाता है. दैट फ्रूट्स आर एंड वी आर कंसिडर इट एज अ वेजिटेबल दैट आर ब्रिंजल टोमेटोज पम्पकिन गॉर्ड पीस एंड बीन्स आर ऑल बायोलॉजिकली फ्रूट ऑफ प्लांट बट एज दे आर मेड फ्रॉम फ्लावर बट वी यूज इट एज अ वेजिटेबल. ये बायोलॉजिकली तो फ्रूट है बट ये फ्लावर से ही मिलके बने हुए होते हैं. सो रिमेंबर दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पल्पी फ्रूट्स जूसी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड सम फ्रूट्स विच आर नॉट सो स्वीट बट वी यूज इट एज वेजिटेबल एंड इट आफ्टर कुकिंग cooking them, cooked them. So that are brinjal, tomatoes, pumpkin and many more. Now we study the other part of plant that is seeds. Seeds mean बीज. Plants के बीज होते हैं जिन्हें as a food consider किया जाता है. There are three types of seeds which we consider and we eat as a fruit food that are cereals, pulses and edible oil. As you can say it also that we divided seeds in a three types cereals, pulses and edible oil. The seeds of the plant provided food for us in many forms. The seed are eaten as cereals such as rice, wheat, barley, maize, pulses such as chickpeas and kidney beans. So come to the first part of the seed or first type of the seed. It is cereals. Cereals are the food grain produced by crop like wheat, barley, millet, maize, rice, etc. Wheat is used for making chapatis, bread and cakes. Barley is used for making chapatis, bread and beverages, etc.
Rice is used for preparing idli and dosa, etc. Cereals are a rich source of carbohydrate which provide us energy. Cereals जो होते हैं basically इसे अनाज भी कहा जाता है. ये food grains होते हैं जिन जैसे कि wheat हो गए, barley हो गए, millets हो गए. ये सारे जो grains होते हैं ये cereals में आते हैं. जैसे वीट का यूज़ किया जाता है चपाती और ब्रेड बनाने के लिए, बार्ले का यूज़ होता है चपाती और ब्रेड और बेवरेजेस मतलब पीने वाले पदार्थ बनाने के लिए, और राइस का यूज़ होता है इडली और डोसा बनाने के लिए. सेरल्स जो होते हैं ये फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं. सेरल्स के खाने के बाद हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है जो हमारे वर्क के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वर्क एंड प्ले के लिए. इन द फर्स्ट वीडियो आई विल टेल यू दैट फूड गिव अस एनर्जी टू प्ले एंड वर्क. सो सेरल गिव अस मोस्ट ऑफ द एनर्जी टू प्ले एंड वर्क. द सेकेंड ऑफ पार्ट ऑफ द सीड्स इज, और सेकेंड टाइप ऑफ द सीड इज पल्सेस. पल्सेस मीन्स दाल. दैट वी ईट आर प्लांट सीड्स. पल्सेस कंटेन प्रोटीन विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी. किडनी बीन्स मीन्स राजमा. पिजन बीन्स मीन्स अरहर. ब्लैक ग्राम मीन्स उड़द. पीस ग्राम मीन्स चना, एक्सेट्रा आर पल्सेस. पल्सेस लाइक मूंग एंड चना कैन बी ईटन इन द ब्रेकफास्ट आफ्टर स्प्राउटिंग. पल्सेस मीन्स दाल जो कि हम खाते हैं, जैसे अरहर की दाल, राजमा, उड़द दाल, चना दाल, ये सारी चीज़ें पल्सेस कहलाती हैं. और मूंग और उड़द दो ऐसे पल्सेस हैं जिनको स्प्राउटनिंग के बाद मतलब अंकुरण के बाद एज अ ब्रेकफास्ट भी लिया जाता है. इट इज़ द फुल सोर्स ऑफ प्रोटीन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी. नेक्स्ट इज़ द एडिबल ऑयल. वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल वाइल प्रिपेयरिंग अवर फूड. Plant are the main source of edible oil. Most of the oil are obtained by crushing the seeds or the dry fruits of the plants. Coconut oil, mustard, sunflower, soya bean or olive oil are the most commonly used seeds oil. खाने के लिए जितने भी ऑयल का यूज़ किया जाता है ये मोस्टली प्लांट सोर्स से ही हमें मिलता है और प्लांट के सीड से ही मिलता है. प्लांट के जो सीड होते हैं इनको क्रश करने के बाद उसमें से ऑयल निकलता है जिसका यूज़ हम अपने खाना बनाने में करते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल, नारियल तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल, सनफ्लावर ऑयल मीन्स सूर्यमुखी के बीज का तेल, सोयाबीन का सोयाबीन तेल और ऑलिव ऑयल का ऑलिव के क्रश करने के बाद ये बनता है. सो सीड इज़ द part of plant as we eat as like a part of plant. So in the first part I told you that there are two major source of food ingredients, that is plant and animals. So now come to the food from animals which we eat as a food, that is major six type of food which we get from the animals, that is milk, egg, meat, honey, oil and seafood. So first is the milk. Food are also a prime source, sorry, animals are also a prime source of food. We obtain different food items from different animals. Milk, egg, meat, honey, etc. are some food items that we get from animals. However, the number of food providing animal is less in comparison to the number of food producing by plant. But the food item obtained from animals contains some useful nutrients. Jitne plant प्रोड्यूस करते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स उससे कहीं कम एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, बट
एनिमल्स के जो फूड होते हैं, एनिमल्स से जो हमें फूड मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बट रिमेंबर दैट 85% ऑफ द फूड आइटम आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, ओनली 15% आर प्रोड्यूस्ड और वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स, लाइक मिल्क, एग, मीट, हनी, ऑयल एंड सी फूड आर द सम फूड आइटम दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स। मिल्क, फर्स्ट फूड आइटम इज दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल मिल्क। अ मिल्क कंप्लीट फूड इन इट सेल्फ, द मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स। द एनिमल्स विच प्रोड्यूस मिल्क आर कॉल्ड मिल्क येल्डिंग एंड मिल्च एनिमल्स, लाइक बफेलो, काउज एंड गॉट्स आर मिल्च एनिमल्स। इंडिया हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कैटल, सो इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। मिल्क जो होता है ये अपने आप में ही एक फुल फूड होता है और यह कैल्शियम और प्रोटीन से बहुत ज़्यादा फुल होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी चिल्ड्रन, फॉर द ग्रोइंग चिल्ड्रन ऑल्सो। सो वो एनिमल्स जो कि मिल्क देते हैं उन्हें कहा जाता है मिल्क येल्डिंग एनिमल या मिल्च एनिमल्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा कैटल्स होते हैं, पॉपुलेशन ऑफ कैटल सबसे ज़्यादा है, मतलब पालतू गाय जो होती है, पालतू बफेलो जो होते हैं, जो पालने वाले जानवर्स होते हैं जिनसे सोर्स ऑफ फूड या फूड इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। इस वजह से हमारा जो इंडिया है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है पूरे वर्ल्ड में। द नेक्स्ट आइटम इज एग। एज यू नो दैट मिल्क इज़ ऑल्सो अ रिच, फुल रिच ऑफ प्रोटीन एज यूजर्स, एज एग इज़ ऑल्सो अ फुल प्रोटीन फूड। वेरियस बर्ड आर गुड सोर्स ऑफ एग, सच एग्स गिविंग बर्थ आर रेयरली एंड केप्ट ऑन पोल्ट्री फॉर्म, हैंस, फाउल्स, डक, टर्की एक्सेट्रा आर पोल्ट्री बर्ड्स, एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। एज आई टेल यू दैट वी डिड नॉट ईट एवरी पार्ट ऑफ प्लांट और एवरी प्लांट्स पार्ट, सेम एज वी कांट ईट एवरी एनिमल्स एग, ओनली सम ऑफ एनिमल्स गिव एग एंड दैट आर रेयर, सो वी केप्ट देम इन द पोल्ट्री। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो एग देते हैं, पर हम उन सब का एग ईडेबल नहीं होता, उसे खाने के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। कुछ रेयर एनिमल्स ही होते हैं जिनको खाने के लिए कंसिडर किया जाता है, जिनके एग को, तो उनको पोल्ट्री फॉर्म में रखा जाता है, उनका प्रोडक्शन करवाया जाता है, उनका देखभाल की जाती है और उनकी जनसंख्या को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इज मीट। मीट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट एनिमल, द पोल्ट्री बर्ड्स, फिश, कॉड, शेप, पिग एक्सेट्रा। फॉर मोस्ट ऑफ द मीट प्रोडक्शन पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एंड अलॉन्ग द रिवर डिपेंड ऑन द फिश एंड अदर सी फूड सच अस श्रिम्प्स, प्रॉन्स, शेल फिश, कार्ब्स एक्सेट्रा फॉर फूड। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। द रेयरिंग ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिसिकल्चर। मीट जो होता है ये डिफरेंट एनिमल्स से हमें मिलता है, जैसे कि पोल्ट्री में पाए जाने वाले जितने बर्ड्स होते हैं उससे, फिश से, गॉट से, शिप से, ये सारे जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा मीट प्रोड्यूस करते हैं। पीपल जो कि कोस्टल एरिया मतलब ठंडी जगहों पर रहते हैं और समुद्र के किनारे रहते हैं, वो फिश को ही एज अ मीट लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो वहाँ बहुत जल्दी और आसानी से अवेलेबल होता है। और फिश को पालने के लिए, खाने के लिए पाला जाता है, उसे कहा जाता है पिसिकल्चर। फिश का जो प्रोडक्शन होता है या पोल्ट्री किया जाता है उसे कहा जाता है पिसिकल्चर। ऑयल्स, नेक्स्ट इज हनी। सॉरी, हनी वी प्रोवाइड अस विथ हनी, इट कंटेन्स वाटर, शुगर, मिनरल एंड एंजाइम, ईजली डाइजेस्टेबल हनी इज ऑफ्टन यूज इन मेडिसिन टू क्योर कफ। द रेयरिंग ऑफ हनी बी ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपिकल्चर। इन योर लोअर क्लासेस यू लर्न अबाउट द एपिकल्चर। एपिकल्चर इज द रेयरिंग ऑफ हनी बीज। हनी बीज को पालने के लिए जो
प्रोडक्शन का मेथड होता है उसको एपिकल्चर कहते हैं। हनी बीज ओनली, सॉरी, हनी हमें ओनली हनी बीज के द्वारा ही मिल सकता है, ये कहीं और प्रोड्यूस नहीं होता। इस वजह से इसको पाला जाता है और इसके जो पालन का तरीका होता है या मेथड जो होता है उन सबको कहा जाता है एपिकल्चर। नेक्स्ट इज ऑयल। वी ऑल्सो गेट ऑयल सच एज कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश। दीज आर हाईली न्यूट्रिएंट एंड गुड फॉर हेल्थ। फूड फॉर एनिमल्स में ऑयल जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिश का ही यूज़ किया जाता है, जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, तो उसे कहा जाता है कॉड लीवर ऑयल। एंड एज यू नो द कोस्टल एरिया एंड विच पीपल्स हु लिव इन द नियर सी, दे आर यूजिंग सी फूड एज अ मीट लाइक फिश, क्रैब, श्रिम्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हियर स्टूडेंट वी कंप्लीटेड आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। In the next part, I'll tell you about the type of animals and a small introduction about the food chain. So here my video is completed and please do not forget to subscribe my channel for new videos and thanks for watching.